Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha Academy, and we are in the lecture number 16. I welcome you after these beautiful and wonderful Diwali holidays. I hope that you would have enjoyed these Diwali holidays. We were also on a break for about 1 week, but now we are back. We tried to improve कुछ कुछ हमने शॉर्ट्स पे वर्क किया है एंड ट्राइड टू गिव यू आर शॉर्ट्स इन अ बेटर वे. आप हमें रिव्यू दें उस चीज़ का, और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि बेटर से बेटर करें. और स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आप लोगों का साथ है तो इसलिए उन चैलेंजेस को ओवरकम भी कर पा रहे हैं. तो जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई थैंक यू ऑल एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. ओके, अब बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉकचेन. देखो यार, क्या है कि नोट्स में तो हमने बहुत हॉलिस्टिकली दे रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि बस मैं आपको क्या करूंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है और इसके कुछ कुछ फायदे आपको बता देंगे. ठीक है, अब देखो यार, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सब कर रहे हैं. देखो ब्लॉकचेन कुछ नहीं होता, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, एग्जाम्पल हमने वहां पर भी लिखा हुआ. अगर ए ने बी को पैसे भेजने हैं, ठीक है, अब वो क्या होगा कि एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगी. ठीक है, ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगी, ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगी तो ये पूरे पोर्टल पे दिखाई देगी ऐसे ऐसे. ठीक है, अब भैया कीवर्ड या पासवर्ड तो एक ही के पास होगा जो इसको ऑथराइज करेगा. ठीक है, जो इसको ऑथराइज करेगा, जो भी इसको ऑथराइज करेगा, मान लिया इस व्यक्ति ने इसको ऑथराइज किया, जो कि कौन था, ए था. ये ए ने इसको ऑथराइज कर लिया और बी के अकाउंट में पैसे चले गए, तो कैसे ऐसे करके ब्लॉक्स बन जाते हैं. ठीक है, और भी जो मान लिया ये तो एक ट्रांजेक्शन है, ऐसे कोई सेकंड ट्रांजेक्शन हुई जिसमें बी ने सी को किया, ठीक है, फिर सी ने डी को कर दिया था, तो ऐसे ब्लॉक्स बनते जाते हैं. तो ये लेजर फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, लेजर फॉर्म में आ जाता है. तो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें एक आपको सिमेट्रिकल डाटा मिलता है, कि भाई देखो लाइन से आपको डाटा मिल जाता है कि ठीक है भाई, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. ठीक है, ये थी बात कि ब्लॉकचेन है क्या. अब ब्लॉकचेन के बेसिस पे ही क्रिप्टो करेंसी ये सब वर्क करते हैं. ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है कि दो तीन टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, एक क्रिप्टोग्राफी उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट देन उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और आप इसका इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हैं. ठीक है, आप इसका इस्तेमाल गवर्नेंस में कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं, सप्लाई चेन में कर सकते हैं, हेल्थ केयर में कर सकते हैं, कोर्ट्स में कर सकते हैं. ठीक है, जितने भी, इनफैक्ट अभी तो आरबीआई ने कहा है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. ठीक है, गवर्नेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे वहाँ पे हमने अपने नोट्स में एक एग्जांपल दिया भी है आपको, यूएई का. ठीक है, वो जो उनका स्मार्ट दुबई का स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है, वो फुल्ली पावर्ड है सब ये किससे, ब्लॉकचेन से. तो ब्लॉकचेन से क्या है ना कि कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता. पता है आपको कि ठीक है भैया, पहले ये काम हो, फिर ये काम हो, ये काम हो, ये काम हुआ, ये काम हुआ, उसके बाद ये ए ने किया, ये बी ने किया, ये सी ने किया, ये डी ने किया, ये नहीं किया, भाई कोई और ऑथराइज कर ही नहीं सकता था. तो इस प्रकार से जो है बेसिकली ब्लॉकचेन वर्क करता है. ठीक है, अब बात करते हैं एनएफटीज की. देखो एनएफटी क्या है, एनएफटी भी एक चीज है जो कि ब्लॉकचेन पर ही वर्क करता है. ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन पर ही वर्क करता है. ठीक है, और बेसिकली अब अगर देखो पहले क्या हुआ, पहले एक मोनालिसा, एक ने पेंटिंग बना दी. ठीक है, वो क्या थी, वो तो भैया आपके पास टेंजिबल फॉर्म में थी. अब ऐसी ही पेंटिंग किसी बड़े पेंटर ने, ठीक है, ऑनलाइन बना दी. अब आपको क्या पता कि ये फ्रॉड है या ये नकली नकली है, असली है, क्या पता आपको, ओरिजिनल है. तो इसी चीज को डील करते हैं आपके एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन, जो कि इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकचेन का. ठीक है, ये किसके साथ आते हैं, ये आते हैं सर्टिफिकेट के साथ. ठीक है, उससे क्या होता है कि ये फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता भाई, जिसने ये बनाई होगी ना उसी के पास इसका सर्टिफिकेट होगा, वही आपको आगे की ट्रांसफर करेगा. ठीक है, और अभी तो एनएफटी का बाजार काफी गर्म हो गया था, आजकल पता नहीं कैसे चल रहा है. ठीक है, और एनएफटी क्या हो सकता है, आपका कोई भी ड्राइंग हो सकती है, आपका ड्राइंग हो सकती है, आपका एनिमेशन हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, आपको कोई ऑडियो क्लिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो उसका जो होगा सर्टिफिकेट होगा, ऑथेंटिसिटी किससे चेक होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से. ठीक है, और उसका क्या मिलेगा, एक उसमें कॉन्सेप्ट होता है टोकनाइजेशन का.
उसका टोकन मिलेगा, टोकन आप समझ लीजिए उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, टोकन मतलब उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बेसिकली इसको लाया क्यों गया था, आजकल आपने सुना होगा एक वर्ड आईपी, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ये लाया गया था। अब उसके साथ बहुत सारे रिस्क भी है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपका ESG, जैसे इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रॉब्लम आती है उसमें, कई बार उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि अभी ये नई चीज़ है, तो इन पे अभी, और जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाकी है, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन पे बाकी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, दैट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी की। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आपके जो कंप्यूटर हैं वो जीरो एंड वन पे वर्क करते हैं, ठीक है, बाइनरी जिसको बोलते थे, है ना, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 ऐसे वर्क करते थे। अब हमारे पास क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल करती है। भाई क्यूबिट्स क्या होते हैं, क्यूबिट्स भी 0 1 की तरह होते हैं, लेकिन क्यूबिट्स जो हैं 0 और 1 को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, साइमल्टेनियस यूज हो सकता है, साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कौन, क्यूबिट्स, ठीक है, 0 और 1 तो बाइनरी हो गई, उसको एक साथ कर सकते हैं क्यूबिट्स। क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि 1 और 0 को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी भी नई टेक्नोलॉजी है, तो इस पर भी अभी वर्क चल रहा है, पर देन गूगल ने बोला था कि हमने भी क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम सुप्रीमेसी होता है कि भाई मैक्सिमम जो उसको क्वांटम से, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से जो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है, ठीक है, वो अचीव कर ली है, बट देन कहा था, ठीक है। तो अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी से यार होता क्या है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जाने लगा है। पहले होता क्या था, पहले तो बेसिकली कीज होती थी, ठीक है, पहले आपकी कीज होती थी, नॉर्मल पजल्स होते थे इस टाइप से, सॉल्व कर उसको सॉल्व करके जो है निकाला जाता था, बट देन जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वही क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करती है, और क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करती है, इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर। अभी मतलब आप ये मान के चलो कि इससे आगे की टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, इससे सिक्योर आज के टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, कोई भी कंप्यूटर क्वांटम टेक्नोलॉजी को अभी या क्वांटम सिक्योरनेस को तोड़ नहीं पाया है। तो सिक्योर कम्युनिकेशन, रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। बट देन आगे देखने, उसके लिए हमने बहुत सारे चीज़ें भी बनाई हुई हैं, एफर्ट्स भी किए हैं, एक जैसे हमने अपना क्वांटम टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बनाया हुआ है नेशनल लेवल पे, ठीक है। और क्वांटम बेसिकली 3 केसेज होते हैं, ये तो कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग, इन 3 एरियाज में बड़ा इस्तेमाल होता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, किसमें, कंप्यूटिंग करने में, किसी चीज़ को कैलकुलेट करने में, कम्युनिकेट करने में, सिक्योरली कम्युनिकेट करने में, एंड सेंसिंग, जैसे रिमोट सेंसिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी भी है, 2020 के बजट में हमने उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग भी रखे थे, ठीक है, इसको भी 3 फेजेस में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। जो मैं आपको कम्युनिकेशन वाली बात कर रहा था ना भाई, ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन होता है उसमें आप ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हो, ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हो, ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसे आप सॉल्व करते हो, या कीज वगैरह होती हैं जो मैंने आपको पहले बताया। अब आपके पास नई चीज आ गई है, अब आपके पास जो मॉडर्न, अब नए आए हैं, तो उसको बोलते हैं क्यू के डी, दैट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करती है, और मैंने आपको वैसे बता दिया, इससे आगे, इससे सिक्योर अभी कुछ है नहीं। तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह में ये क्यू के डी क्वांटम टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, वही इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दो टाइप की होती है, प्रिपरेशन मेजर प्रोटोकॉल बता देते हैं, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, प्रिपेयर एंड मेजर प्रोटोकॉल्स, और एक होता है आपका एंटेंगलमेंट, ये सब क्यूकेडी बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रिपेयर एंड मेजर, एक एंटेंगलमेंट होता है, ऐसे ऐसे इतना एंटेंगल हो जाता है कि उसको सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल है। तो उससे क्या हो जाता है कि जितने भी पासवर्ड वगैरह हैं वो आप सिक्योर कर सकते हो। एडवांटेजेस ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सिक्योर है, बट इसके साथ चैलेंजेस भी है, एक तो इसका कम्युनिकेशन रेट बहुत स्लो है, ठीक है,
और इसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, जब ये लॉन्गर डिस्टेंसेज में ट्रेवल नहीं कर, लॉन्गर डिस्टेंसेज में थ्रू फाइबर में ये अभी बहुत ज़्यादा किफ़ायती दिखाई नहीं दी है। ठीक है, देन आई कम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन था, बस कुछ नहीं है, सुपर कंप्यूटर बनाने हैं हमें। 2015 में ये मिशन आया। ठीक है, 70 नेशनल रिसर्च सेंटर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे हमें एक NKN है, हमारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क से उसको जोड़ना है, किसे, सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर लाएंगे, सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि सुपर कंप्यूटिंग से क्या होता है कि बहुत सी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आपके सॉल्व होने लगती है, और 3 फेजेज में है। तो 3 फेज में तो क्या होगा, फर्स्ट फेज में तो क्या कर लेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे जो भी हमें पार्ट्स वगैरह इम्पोर्ट करने हैं, किसको, सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। देन सेकेंड फेज में जो है सुपर कंप्यूटर नेटवर्क को हमको जो है इंक्रीज करना है, और देखो जो उसकी स्पीड होती है वो पेटाफ्लॉप्स में होती है सुपर कंप्यूटर की, तो 16 पेटाफ्लॉप्स स्पीड अचीव करनी है, और थर्ड फेज में जो है हमें 45 पेटाफ्लॉप्स स्पीड को अचीव करना है। ठीक है, तो ये है बात नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग और टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी। बट टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, एंड आई शैल सी यू टुमारो। बाय बाय।